में मिठाइयों की बढ़ती खपत को देखते हुए प्रदेश भर में मिठाइयों और खोए सहित अन्य डेयरी उत्पादों की जांच की जा रही है। कोंडागांव में भी इसी कड़ी में जिला खाद्य सुरक्षा विभाग विभिन्न मिठाई दुकानों की जांच कर रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार देवांगन ने बताया कि अब तक 15 से अधिक दुकानों की जाँच की गई है, जिनमें से लिए गए 65 नमूनों को जाँच के लिए भेजा गया है। त्योहारों के नजदीक आते ही मिठाइयों की खपत बढ़ जाती है, जिसे पूरा करने हैं तो मिठाई व्यापारी जो है अधिक से अधिक मिठाई बनाने के चक्कर में मिठाई की गुणवत्ता के साथ लापरवाही करते हैं। इसके साथ ही बाहर से दूध और खोवा भी मंगाया जाता है, जिसमें मिलावट होने की आशंका रहती है। इसे ही जांचने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा मिठाई दुकानों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से अभी तक कुल 15 प्रतिष्ठानों से 65 खाद्य नमूनों की मिठाइयों की जांच की गई है। फिलहाल मिलावट का कोई प्रकरण अभी तक सामने नहीं आया है, परंतु मिठाई की अन्य पैमानों पर गुणवत्ता जांचने के लिए नमूने लेकर के राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। अभी तक हमने कुल 7 नमूने लेकर के जाँच के लिए भेजे हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली के मद्देनजर इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिल सके।